परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहब जी ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं ये कुल के मालिक हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं हम तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं हो सके और जिस कारण से आज हमने अपने अपने मत बना लिए अपने अपने मजहब धर्म बना लिए उसके विषय में परमात्मा कहते हैं भाई कोई कहे मारा राम बड़ो है कोई कह मारा राम बड़ा है कोई कहे खुदाई रे कोई कहे हमारा राम बड़ा है कोई कहे खुदाई रे कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है ये बाटा रहे रे कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है ये बाटा रहे रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने अपने इष्ट को सुप्रीम मान रहे हैं क्योंकि हम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं न तो पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने पवित्र सदग्रंथों शास्त्रों जैसे पवित्र वेदों से पवित्र श्रीमद्भगवद गीता से और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं है इसी प्रकार मुसलमान धर्म के कर्मी प्राणी परमात्मा को ना पहचान कर पवित्र कुरान शरीफ में लिखे ज्ञान को ना समझ कर अपने ही सदग्रंथों से वंचित हैं ऐसे ही पवित्र बाइबल के अंदर परमात्मा का जो तो विधान लिखा है परमात्मा की जो महिमा लिखी है उससे पवित्र ईसाई धर्म की पुण्यात्माएँ अपरिचित हैं और इसी प्रकार पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी है उससे सिख धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित हैं इसी कारण से हम विभाजित हो गए कोई हिंदू बन गया कोई मुसलमान बन गया कोई सिख बना कोई ईसाई बन गया हम किस लिए विभाजित हुए परमात्मा पाने के लिए आत्म कल्याण करवाने के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म की साधना से वंचित रह करके पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान न होने से फिर सोचा कि शायद ईसाई धर्म से कुछ मिल जाए बहुत से पुनकर्मी प्राणी ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर चुके हैं ईसाई धर्म से भी कुछ ना मिला तो फिर मुसलमान धर्म को भी अपना लिया मुसलमान धर्म से भी जब नहीं संतुष्टि हुई तो सिख धर्म को भी अपनाया हम ऐसे ही बढ़ते चले गए हम लेकिन रहे वहीं के वहीं जहां से सटार्ट हुए थे कारण क्या रहा कि हम अपने सदग्रंथों को समझ नहीं सके उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं आज सत्संग के अंदर आप सुबह सुन रहे थे कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता वो सर्वव्यापक है और कोई उसको साकार बताते हैं और साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि जो भी दृष्टि गोचर है ब्रह्मांड चांद सूरज सितारे ग्रह ये ही साकार रूप है परमात्मा का और इसी कारण से हम आज तक यही सिद्धांत बनाकर अपनी साधनाएं करते रहे हम साकार मूर्ति रखते थे भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे फिर भी कोई पूछता था क्या आपको कुछ दिखाई देता है क्या आप साधना करते हो आपने भगवान देखा है कैसा है परमात्मा तो हम कहते थे वो तो निराकार है दिखाई थोड़ा ही देता है परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है जैसा हमने सुना सुनाया ये लोक वेद था अपुण आत्माओं सामने विष्णु जी को हम भगवान भी मानते थे और फिर हम भगवान को निराकार भी कहते थे तो हमारा बालकों वाला ज्ञान था और यही सती थी प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों की है अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है परमात्मा परमेश्वर वो साकार है नर आकार है मनुष्य दृश्य है और वो सतलोक में रहता है सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता है गीता जी अध्याय नंबर अठारह के श्लोक नंबर बैसठ में उसी को शाश्वत स्थान कहा है यानी सनातन परम था और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता अब जितने भी सतलोक की सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं इनको कह कह का भी ज्ञान नहीं सचखंड और ऊपर के लोकों का केवल सुना सुनाया ज्ञान परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने डट रखा है उसी का उल्टा सुलटा अनुवाद करके इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है जो उनके अनुयायी हैं